दिल्ली में सीएनजी अब प्रति किलो 4.5 रुपए महंगी हो गई है। इसके बाद अब दिल्ली में सफर करना महंगा हो गया है। इसके साथ ही पाइप के जरिए घरों में पहुंचने वाली रसोई गैस भी 5.15 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे अरविंद केजरीवाल ने कीमतें बढ़ने के समय पर सवाल खड़े किए हैं। देश की राजधानी में नई सरकार बनने से पहले दिल्ली और एनसीआर के लोगों को महंगाई का एक बड़ा झटका है। ये आम आदमी तो इसका विरोध कर ही रही है। पहाड़ जैसी चुनौतियों के बीच कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे अरविंद केजरीवाल ने भी इसका विरोध किया है। केजरीवाल ने दाम बढ़ाने की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा आज भी केजरीवाल ने जनता दरबार बनाया और लोगों की समस्याएं सुनी, लेकिन आज जो दाम बढ़े हैं उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं। सरकार बनने के 2 दिन पहले सीएनजी के दाम इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए तो एक मन में शंका तो पैदा होती है, भाई 2 दिन रुक जाते, ऐसी भी क्या जल्दी थी, और चुनी हुई सरकार आ रही है उससे भी पूछ लेते, क्योंकि मैं जब कल दफ्तर जाऊंगा तो एक तो ये देखने की कोशिश करूंगा, पूछने की कोशिश करूंगा कि ये दाम क्यों बढ़ाने की जरूरत पड़ी, क्या कारण थे, क्या कैलकुलेशंस हैं इसके पीछे, और क्या वो कैलकुलेशंस वाजिब हैं, क्या वो बढ़ाने की जरूरत है, पहली चीज तो उसको मैं कल जब फाइल देखूंगा तभी मैं पता कर सकता, मैं कुछ इस पे कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि 2 दिन अगर रुक जाते तो ज्यादा अच्छा, 2 दिन अगर रुक जाते तो ज्यादा अच्छा था। चुनी हुई सरकार आ रही है उससे भी पूछ लेना चाहिए था, लेकिन कल जब मैं दफ्तर जाऊंगा तो इस बात की जांच करूंगा कि दाम बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। ये कहा है आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं और भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कल शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद के लिए, उन्होंने ये बयान दिया है। लेकिन आप नेता कुमार विश्वास ने भी सीएनजी के दाम बढ़ाने के समय पर सवाल खड़े किए हैं। कुमार विश्वास ने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। मुझे इसकी टाइमिंग पे थोड़ा शक है कि ये अरविंद केजरीवाल कल शपथ लेंगे और आज सीएनजी के दाम कम ज्यादा किए गए हैं, मुझे इसकी टाइमिंग पर थोड़ा शक है। और सरकार रुक सकती थी, इस पर विचार कर सकती थी, लेकिन अभी सरकार अगर हम लोग चलाते हैं तो हम इस पर विचार करेंगे कि राज्य होने के नाते हम क्या राहत दे सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने तो सवाल उठाए ही, साथ ही उनके जो पार्टी के नेता हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। कुमार विश्वास भी कह रहे हैं कि टाइमिंग को लेकर शक हो रहा है कि आखिर ऐसे वक्त पर जब कल अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं उससे ठीक पहले ये दाम बढ़ाने की जरूरत अचानक क्या पड़ गई। और साथ ही आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जब वो कल से दफ्तर संभालेंगे, अपने ऑफिस में जाएंगे, तो वो इस बात की जांच करेंगे, पता लगाएंगे कि आखिर किस वजह से सीएनजी की कीमत बढ़ाई गई है, आखिर क्या जरूरत पड़ी थी और कैलकुलेशन क्या है, आखिर किस तरह से ये सीएनजी के दाम बढ़े हैं और बढ़ाने की जरूरत पड़ी है।